बीते दिन पटना में विपक्षी दलों की बैठक में आरजेडी सुप्रीमो अपने पुराने फॉर्म में नजर आए। विपक्षी एकजुटता के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने लालू यादव को उकसाया। फिर क्या था, लालू यादव के निशाने पर राहुल गांधी आ गए। लालू की चुटकियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी भी शर्मा गए। विपक्षी एकजुटता के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव ने जैसे ही राहुल गांधी का नाम लिया, नीतीश कुमार ने उनकी दाढ़ी को लेकर उन्हें उकसा दिया। लालू यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने अच्छा काम इन दिनों में किया है, देश भर में पैदल दर्शन कराए लोगों को, लोकसभा में अच्छा काम किए, अदाणी के मामले में। तभी नीतीश कुमार ने लालू यादव को याद दिलाया कि घूम रहे थे तो दाढ़ी बढ़ा लिए। इसके बाद नीतीश कुमार खिलखिलाकर हंसने भी लगे। आप तो हम लोग का सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था, शादी करिए और हम लोग बराते चले और शादी करिए, बात मानिए। घूमने लगे तो फिर बढ़ा लिए हैं, अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। इसके बाद राहुल की दाढ़ी से निकली बात उनके शादी तक पहुंच गई। लालू यादव ने कहा, बात तो हम लोगों की माने नहीं, आप ब्याह नहीं किए, शादी कर लेनी चाहिए थी। इसके बाद सभी नेताओं ने जोर का ठहाका लगाया। फिर लालू ने कहा कि अभी भी समय गया नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलेंगे। ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराते चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको आपने कह दिया तो हो जाए, हाँ एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अब किसी को भी लग सकता है कि इतनी अहम राजनीतिक मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू ने भला राहुल की शादी का मुद्दा क्यों छेड़ा। जवाब है, मिशन 2024 के लिए पटना में विपक्ष की 15 पार्टियों की मीटिंग को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर थी और बार बार बस यही सवाल कर रही थी कि नरेंद्र मोदी के जवाब में उनकी ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। ऐसे में लालू के राहुल गांधी को दूल्हा बनाने के बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। लालू की हर बात का एक राजनीतिक अर्थ होता है, फिर लालू यादव के राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की वकालत के पीछे असली मकसद क्या है। साफ है कि उन्होंने इशारों में सबको बता दिया है कि विपक्ष का गठबंधन कांग्रेस की अगुवाई में ही बनेगा और दूल्हा यानी प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी होंगे। यह और बात है कि सबको साथ रखने की मजबूरी में इसकी औपचारिक घोषणा भले ही चुनाव के नतीजे से पहले संभव ना हो पाए।